हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब होंगे ठीक, और मैं हूँ पिंकी, और पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज देखिए हम लोग क्या बनाने वाले हैं। आज मैं अभी तक मेरे चैनल पर मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, तो आज हम लोग बनाने वाले हैं मोमोज। तो ये चटनी बनाने की तैयारी हमारी हो रही है। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दी है लाल वाली सूखी मिर्च, जो कि हम ग्रीन चिली लाते हैं उसमें रेड हो जाती है वो वाली मिर्च है ये। तो ये देखिए मैंने पानी में इसको पहले डाल दिया, इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो मोमोज़ की चटनी आप इस प्रकार से बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगने वाली है। तो पानी को थोड़ा सा गर्म कर लिया है, और इसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड कर दी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और ये आधा केजी से ज़्यादा टमाटर होगा, बिल्कुल पका हुआ रेड एकदम, वो मैंने लिया हुआ है और इसको बड़े बड़े पीसेज में इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए खोलने लगा है पानी मेरा, अब हम इसमें खोलते हुए पानी में इसको डाल देंगे। तो ये देखिए टमाटर को डाल देंगे, और 5 मिनट तक ही हम इसको बॉईल होने देंगे, जब तक कि इसका छिलका ना उतरने लगे। जैसे ही छिलका उतरने लगेगा हम इसको बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा सा मैं इसको हिला देती हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से। बस अब हम इसको बॉईल होने देंगे। तो चलिए बॉईल होने के बाद में मैं आपको बताती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए मेरा। और ये देखिए टमाटर जो है कुछ इस तरीके से पक जाएगा, तब आप इसको नीचे उतार लीजिएगा, मतलब पानी से बाहर निकाल लीजिएगा। तो ये देखिए टमाटर मेरा कुछ इस तरीके से पक गया है, ये छिलने लगा है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और इस तरीके से छील छील करके हम इसको रख लेंगे। बिल्कुल गर्म है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, और टमाटर हमारा बिल्कुल लाल था, बहुत अच्छे तरीके से पका है। दोनों चीज़ बहुत अच्छी तरीके से जो है बॉईल हो गई हैं। और ये देखिए फिर हम इनको मिक्सर जार में जो है पीसेंगे, इसके बाद हम लोग जो है चटनी में तड़का लगाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आप बहुत अच्छे तरीके से जो है मोमोज़ बनाना सीख जाएंगे। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है। और एक बात और कि आज मैं आपको मैदे की मोमोज़ नहीं बताने वाली हूँ, आज हम बनाएंगे चावल के आटे की मोमोज़। क्योंकि मैदा जो होता है ना हमारे आंतों में फंस करके, या फिर हमारे पेट को जो है उसकी पाचक क्रिया बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा देर में वो पचता है और हमारे पेट को जो है नुकसान देता है। तो उससे अच्छा चावल का आटा है। चावल का आटा जो है हमारे पेट को भी अच्छा रखता है, और हमें कोई नुकसान भी नहीं देता है, और हमारी जो पाचन शक्ति है उसको भी ठीक रखता है। तो इसीलिए हम लोग चावल का मोमोज़ बनाएंगे आज, सिर्फ मैदे का नहीं बनाएंगे। तो क्योंकि मैदे का जो है तो हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं तो पचने में वो नुकसानदेह होता है, तो इसीलिए आज हम लोग चावल का बनाएंगे। तो ये देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया था, इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन, और लहसुन और अदरक मैंने डाला है इसमें, बारीक बारीक काट लिया था उसको मैंने डाल दिया है। और ये तेल हमारा ज़्यादा गर्म हो गया था तो तुरंत ही पक गया है। और इसके बाद देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ, हमने हरी मिर्च मतलब जो लाल मिर्च बॉईल की थी उसका, और टमाटर का जो है पेस्ट बना लिया है उसको इसमें डाल दिया है, और मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं डाला है। और इसके बाद हम इसमें क्या क्या डालेंगे तो देखते जाइए आप। और इस तरीके से चटनी आप बनाएंगे ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये देखिए हमारी चटनी जो है आसपास में उचक भी गई है, क्योंकि ज़्यादा थिकनेस ज़्यादा थी उसकी। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी लेकर के मैं डाल दूँगी। तो आप जिस तरीके से चटनी की जितनी जो है थिकनेस रखना चाहते हैं, जिस तरीके से गाढ़ा या पतला, तो अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा गाढ़ा ही बनाऊँगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी लगती है इस प्रकार की चटनी। और इस चटनी अगर बच भी जाए तो रोटी या पराठे के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो ये मिक्सर जार को भी धो करके मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि घर की कोई भी चीज़ें हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, हर चीज़ का यूज़ करना चाहिए। और देखिए हमारा ये जो है चटनी जो है तो हल्का सा बॉईल हो जाएगा, इसके बाद में हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। और देखिए ये चटनी जो है हमारा थोड़ा सा आँच इसमें लग जाए, इसके बाद देखिए थोड़ा सा चलाएंगे इसको, और ये देखिए बॉईल होने लगेगी हमारी चटनी। तो ये देखिए चटनी हमारी बॉईल होने लगी है, इस तरीके से जो है उफान इसमें आने लगा है। अब हम इसमें 1 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे। तो ये देखिए 1 चम्मच जो है मैं इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ, ये देखिए यही इसको सबसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है, और इससे ही चटनी बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगती है। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे चीनी,
ये देखिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये क्या होता है चीनी इसके तीखेपन को बैलेंस कर देती है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें जितना आप डालना चाहें उतना। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, तो ये देखिए मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ इसमें। और रियली मेरी चटनी बहुत ही यम्मी लगने वाली है, और देखने में ही किस किस के मुँह में पानी आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिएगा हमारी चटनी जो है बन करके है तैयार। अब इसको थोड़ा सा और बॉयल होने देंगे ताकि जो हमने सामान इसमें डाला हुआ है वो अच्छे तरीके से पक जाए और थोड़ी सी थिकनेस और बढ़ जाए, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए हमारी चटनी, और इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। तब तक हम आटा लगाते हैं, तो चलिए आटा लगाना मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने आटा लिया है चावल का, और इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला और कुछ नहीं डाला है। इसको इस तरीके से मैं जो है गूँथ लूँगी, और इसके बाद हम इसका मोमोज़ बनाएंगे। आप इस तरीके से बना करके देखिएगा, चावल के आटे का मोमोज़ रियली में बहुत ही यम्मी लगता है, और इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मैदे के आटे से ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को ये। और मतलब इतना ज़्यादा सौंदापन इसमें होता है, बहुत ज़्यादा। चावल का आटा वैसे भी बहुत ज़्यादा सौंदा होता है। तो ये देखिए मैं इस तरीके से गूँध रही हूँ, गूँथने के बाद मिलते हैं। इसमें भी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, बहुत ज़्यादा गर्म है, और हमेशा हम लोग मैदे के आटे की मोमोज़ खाते हैं, बट ये वाला चावल का आटा है, चावल के आटे की मोमोज़ है। आप लोग बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। देखिए बहुत ही अच्छी बनी है, देखिए बहुत अच्छी। और स्टफिंग भी मैंने आपको बताई कि मैंने पत्ता गोभी और प्याज की डाली है, तो स्टफिंग भी बहुत ही अच्छी लग रही है खाने में। तो आप लोग बना करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और देखिए दो दो पतीले में बन रही है दोनों साइड में, क्योंकि एक साथ में खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए बना लेती हूँ, फिर खाते टाइम में मिलते हैं आपसे। तो देखिए ये वाली हमारी बन करके हो गई हैं बिल्कुल तैयार, और देखिए बिल्कुल कितनी अच्छी तरीके से फूल गई हैं और कितनी अच्छी दिख रही हैं। तो आप इस तरीके से ज़रूर मोमोज़ बनाइएगा, और इनको भरना और ये सब कुछ तो आपको आता ही है। पत्ता गोभी या गाजर आप लोग इसमें भर लीजिएगा, और इसको इस तरीके से मोदक के जैसे मोड़ दीजिएगा। तो ये देखिए मैं दो दो पतीले रखे हुए हैं, क्योंकि खाने वाले हम 3-4 लोग हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी जल्दी बनती है तो खाने में थोड़ा सा मज़ा आता है। क्योंकि हम लोग जब भी कोई चीज़ खाते हैं ना तो अच्छे से खाते हैं, आप लोगों को पता ही है कि जब भी कोई चीज़ खाई जाती है तो अच्छी क्वांटिटी में खाई जाती है, खाने वाने की कोई टेंशन नहीं होती, इससे ही पेट भरना है, बहुत अच्छे तरीके से खाना है इसको। और रियली में हम लोग जब भी खाते हैं ना कोई चीज़ तो बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं, खाने की चिंता नहीं करते हैं, पेट भरना चाहिए बस और मज़ा आना चाहिए खाने में। तो ये देखिए इस तरफ भी बन रही है और इस तरफ भी बन रही है, तो चलिए आप लोग इन्जॉय कीजिए। ये देखिए तोड़ करके दिखाते हैं आपको, देखिए कितनी गर्मा गर्म इतने अच्छी तरीके से बनी हुई हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। और ये देखिए चटनी लगाने के बाद
इस तरीके से दिख रही हैं, किस किस के मुंह में आ रहा है पानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सब लोग इनवाइट हैं मेरे घर पर मोमोज़ खाने के लिए, तो आइएगा और देखते हैं इस तरफ वाली को कि इस तरफ वाली किस तरीके से बनी हुई है। तो ये देखिए इस तरफ वाली भी हमारी अच्छे से पक गई है, देख लेते हैं इसको चेक करके फिर मैं बताती हूँ बनी पकी है कि नहीं। थोड़ा सा हाथ लगा के टच करके हम देखते हैं तो बिल्कुल कड़कपन सा दिखता है हमें। तो ये देखिए पक गई है बहुत अच्छे तरीके से, और मैं निकाल निकाल के देती जा रही हूँ और सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। देखिए अलग अलग शेप में हम लोगों ने बनाई हुई है, जिसको जैसा पसंद आ रहा है वैसा शेप में बना रहा है। रियली में इतना मज़ा किया हम लोगों ने बनाने में, और इतना मज़ा आया ना, मतलब इसको बनाने में बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। तो अब देखिए दूसरा घान हम इस पर रख देते हैं। तो देखिए गुजिया के जैसे भी मेरे हस्बैंड ने बना दी और रिंगू ने, और पानी थोड़ा सा आप लोग बीच बीच में चेक करते जाएं क्योंकि पानी बॉयल होते होते ख़त्म भी हो जाता है नीचे से। तो देखिए गुजिया तरीके से भी बना दी और रियली में बहुत ही यम्मी लगी थी मोमोज़। आप लोग बना करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने किस तरीके से बनाई और कैसे बनाई। इसी तरीके से चावल के फरे भी बनाए जाते हैं, वो भी मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग साथ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो हम लोग देखो मोमोज़ बन रही हैं, वीडियो में आप देख ही रहे हैं। अब देखिए हम लोगों ने खा ली है वैसे तो, टेस्ट कर ली है। और अब देखिए रिंकू से पूछते हैं कि कैसी बनी है। यम्मी। ये देखो खाने के बाद पसीना बहुत तेज आ रहा है क्योंकि मिर्ची की चटनी जो है बहुत ज़्यादा तीखी है। रेड चिली। ये देखो चक्कर भी आने लगे हैं साथ में। ये देखो ये देखिए भैया, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रिंकू की शक्ल कैसी है। और ये देखिए दीदी की तो देखो शक्ल। बहुत ज़्यादा तीखी है चटनी और वैसे मेरे को पसीना आता नहीं है। रियली में बहुत ज़्यादा यमी बनी है, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। आप लोग भी बना करके शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और बना करके मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसी बनी है आपकी मोमोज, और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, करते हैं अपनी वीडियो का एंड। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें कि कैसी लगी हमारी वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।